मारने की कोशिश करी, जान से मारने की कोशिश करी। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजू नारायण। भारत एट नाइन में आज जो एक ऐसे मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी, लेकिन शायद नोएडा पुलिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही नोएडा पुलिस का दिल पसीजता है। एक मासूम महिला जो न्याय के लिए दर दर भटक रही है। मामला एक दिन का नहीं है, मामला दो दिन का नहीं है, ये महिला जो है वो काफ़ी समय से प्रताड़ित है और प्रताड़ना देने वाला खुद उसका पति है। जी हाँ, पति भी ऐसा जिसे पति कहने पर भी कहीं ना कहीं महिला को शर्मिंदा होना पड़ रहा है, क्योंकि ये शख्स इस महिला के साथ जमकर मारपीट करता है, फॉलोअप करता है, नौकरी करने नहीं देता है और साथ ही साथ उस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाता है और फिर से मेंटली और फिजिकली असॉल्ट करता है, हैरस करता है। ये मामला है सेक्टर 24 नोएडा का और हमारी टीम भी आज वहाँ पहुँची थी। मैं खुद ग्राउंड ज़ीरो पर पहुँची थी, पीड़ित महिला से बात की है, पीड़ित महिला की माता जी तो थी, वो भी वहीं पर मौजूद थी, उनसे भी हमने बात की, आगे रिपोर्ट में आप देखेंगे। लेकिन आपको बता दूँ कि इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, तो मुझे भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले ने झकझोर दिया है। शादी जैसे रिश्ते से कहीं ना कहीं विश्वास उठता जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि शादी नहीं होनी चाहिए, शादी गलत है, लेकिन अगर गलत इंसान से हो जाए तो शायद ज़िंदगी तबाह हो जाती है। इस महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ है। 10 साल शादी के हो गए हैं, 2 मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन पति गलत नीयत रखता है अपनी ही बीवी पर और साथ ही साथ उसे उसके बच्चों के सामने पूरी तरीके से प्रताड़ित करता है, मारता है, पीटता है, उसे चरित्रहीन बताता है, साथ ही साथ बच्चों के सामने उसके साथ अभद्र व्यवहार करता है, उसके कपड़े फाड़ देता है, कपड़ों में आग लगा देता है और घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब 13 मार्च को ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि जहाँ वो काम करती है, नोएडा अथॉरिटी में वो काम करती है, वहाँ के लोगों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की है, उन लोगों का कहना है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है। मैं नाम नहीं ले सकती उस महिला का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सुरक्षा कारणों से सही भी नहीं होगा, लेकिन जो भी इसकी मदद करने की कोशिश करता है उसका पति अपने गुरु के साथ मिलकर उसे और ज़्यादा प्रताड़ित करता है। महिला की माता जी को भी जान से मारने की धमकी देता है कि 8 लाख रुपये 10 लाख रुपये लग जाएंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसे ख़त्म कर देंगे। इस तरह की धमकियां लगातार मिलती हैं। बात है 13 तारीख की, 13 तारीख को होता है कि लड़की रोज़ाना की तरह नौकरी करके अपने रूम पर चल जाती है। दोनों का नोटरी पर तलाक भी हो रखा है, लेकिन वैसे पूरा मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है, हियरिंग पर भी ये शख्स नहीं जाता है। तो जैसे ही रोज इसका पीछा करता है, लड़कों से पीछा करवाता है, फॉलोअप लेता है कि महिला कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, और ये किसी से भी बात करने नहीं देता। अगर ये बात करती है तो उस पर चरित्रहीन होने का आरोप लगा देता है, उसके साथ फिर इसकी जमकर मारपीट करता है इसके साथ। 13 तारीख को महिला अलग होकर इससे सेक्टर 12-22 में रह रही है, एक रूम लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। इसमें सिर्फ अकेला इसका पति इन्वॉल्व नहीं है, जैसा कि मैं आगे स्टोरी में बताऊंगी और सुनवाऊंगी भी कि पीड़ित महिला ने क्या कुछ कहा। बताया जा रहा है कि पूरा परिवार, नंद भी इन्वॉल्व है और साथ ही साथ इसके देवर जेठ जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं और कुछ दोस्त हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। ये पहुंच जाते हैं महिला के घर, उस रूम पर उसको मारते हैं, पीटते हैं, गला दबाने की कोशिश करते हैं, मुँह दबाने की कोशिश करते हैं। और जब आप पूरी स्टोरी देखेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरह से महिला के पूरे शरीर पर नाखूनों के निशान हैं और महिला की जो माता जी हैं उनको भी कहीं ना कहीं बीच बचाव जो वो करने आई है उनको भी मारा पीटा गया है। जो महिला है वो बहुत ही गरीब परिवार से है और साथ ही साथ उनका कहना है कि हम इतने बड़े पैमाने पर पैसा खर्च करके ऐसे केस नहीं लड़ सकते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि तब ये सारी चीज़ें होती हैं, इसने कहा है कि इसको गैंगरेप इसका करने की कोशिश की गई है, पति नहीं अपने दोस्तों से गैंगरेप कराने की कोशिश की, ज़बरदस्ती की गई, कपड़े उतारने की कोशिश की गई, तो ये सब कुछ हो रहा था, हो हंगामा हुआ, पड़ोसी आते हैं तो फिर ये लोग पड़ोसियों को भी डरा धमका कर भगा देते हैं कि हमारा फैमिली मैटर है, आप इन्वॉल्व मत हुई है। किसी तरह से ये महिला जो है वो छूट जाती है और फिर चल जाती है थाना। ये तब की बात है 13 तारीख की, जब ये दादरी जाती है वहाँ पर ये कहा दिया जाता है कि ये जो मामला है ये वहीं के सेक्टर का है, सेक्टर 24 में जाइए थाने में, वहाँ पर अपनी कंप्लेन लिखवाइए। 14 तारीख को महिला जाती है
और फिर वहाँ पर अपनी कंप्लेन लिखाने के लिए बैठती है, लेकिन 8 घंटे तक वो बैठी रही, ना तो उसका मेडिकल कराया गया, ना ही कोई एप्लीकेशन इससे ली गई है और ना ही कोई FIR दर्ज की गई। महिला न्याय के इधर उधर भटकती रही, फिर ये पूरा मामला हमारे संज्ञान में आता है और आज हम यहाँ जाते हैं सेक्टर 24 जाकर। जैसे ही मीडिया की टीम वहाँ पहुँची, यानी कि मैं और मेरे सहयोगी यहाँ पहुँचे, हमारे कैमरा पर्सन, जैसे उन्होंने कैमरा ऑन करने की कोशिश की, पहले तो वहाँ पर जो महिला हेल्प डेस्क पर महिला पुलिसकर्मी बैठी थी, उन्होंने कैमरा चलाने से मना कर दिया। और जब हमने उन पर ये उनसे सवाल पूछने की कोशिश की और दबाव बनाने की कोशिश की, तब जाकर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अब मेडिकल के लिए भेज देते हैं। आप सोचे, 24 घंटे से ज़्यादा बीत गए और शायद अब तो बहुत ज़्यादा बीत जाएंगे, तब जाकर उसका मेडिकल के लिए उसे भेजा गया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि महिला पुलिसकर्मी भी का दिल नहीं पसीजा क्या? सवाल ये है कि योगी पुलिस लगातार ये कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। योगी सरकार महिलाओं को स्वावलंबी बना रही है, आत्मनिर्भर बना रही है, महिला सुरक्षा के लिए तमाम तरीके के कानून है, एंटी रोमियो स्क्वाड हो गया, जीरो टॉलरेंस की नीति है, बुलडोजर नीति है, उसके बावजूद ऐसे ही इस पूरे मामले पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? यहाँ पर अब हम पूरी रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए और फिर आप समझिए कि इस महिला के ऊपर क्या बीत रही होगी। आज हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 24 थाने पर और यहाँ हमारी मुलाकात एक ऐसी पीड़िता से हुई है जिसको लगातार हैरेस किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा है, साथ ही साथ गैंग रेप की भी कोशिश की गई है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, ये किसी और ने नहीं बल्कि पीड़िता के पति द्वारा ही किया जा रहा है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि जो पीड़िता है उसका जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है डाइवोर्स का, लेकिन अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नोएडा के थाना 24 सेक्टर में पीड़िता आई है अपनी मां के साथ, उसके बावजूद भी 8 घंटे इन्हें बिठा के रखा है, कोई FIR नहीं लिखी गई है। सिर्फ ये कहा गया है कि हाँ, हमने आपके बयान दर्ज कर लिए, लेकिन FIR अभी तक भी लिखी नहीं गई है। साथ ही साथ सुलहनामा कराने की कोशिश हो रही है और पीड़िता से ही जानेंगे, क्योंकि वो भी हमारे साथ मौजूद है, कि आखिर उनके साथ अब तक क्या क्या हुआ है। आप कितने घंटे यहाँ पर बैठी रही, क्या शुरुआत से बताइए क्या क्या हुआ आपके साथ? मैं कल यहाँ पूरे 8 घंटे बैठी, उसके बाद मेरी FIR दर्ज नहीं की गई है और बस बार बार यही कहा जा रहा है कि SHO आ जाएंगे, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उन्होंने भी बोल दिया है कि दोनों पक्षों को बोला कि जांच की जाएगी। हमारे SDM सर भी आए थे, उन्होंने बोला कि इनकी मेडिकल जांच कराई जाए, इनकी FIR दर्ज की जाए। उनके कहने के बावजूद भी उनके कार्रवाई नहीं की गई है और आज भी मैं सुबह 2 घंटे से बैठी हुई हूँ, उसके बाद मेरी बात को सुना नहीं जा रहा है। क्या कहा जा रहा है अंदर, क्या कह रहे हैं सब? ये कह रहे हैं कि दोनों उन्हें पक्ष को बुलाया जा रहा है, उनका भी सुना जाए, उनका क्या एक पक्ष का सुन के नहीं करेंगे हम। क्यों, क्या पुलिस वालों को इस लड़की के शरीर पर जो निशान है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं? जो पति का इंतजार हो रहा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से हैवानियत की गई है। और साथ ही साथ पीड़िता का कहना है कि पति के साथ कुछ और लोग भी आए थे और ये कहीं ना कहीं फैमिली मैटर भी है, क्योंकि पीड़िता कह रही है कि उसकी नंद जो है वो भी आई थी और बुरी तरीके से ने मारा पीटा गया है। क्या हुआ आप खुल के बताइए, डरने की ज़रूरत नहीं है। 13 तारीख की रात को जब मैं जॉब से आई थी तो मेरी दोनों नंदे और देवरानी आके उन्होंने मेरे मुँह बांधने की कोशिश करी, जान से मारने की कोशिश करी और मेरे कपड़े उतारने की कोशिश करी। देवर आदमी जो 5-6 लड़के थे उनको कहा, जबरदस्ती करने की कहते कि इसका जबरदस्ती करो। फिर मेरे शोर मचाने पर मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग आ गए, उन्होंने खिड़की वगैरह तोड़ी, मेरी जान बचाई। फिर उन्होंने बोला कि फैमिली मैटर है, फैमिली। फिर मकान मालिक बोले ठीक है, आप इनको ले जाओ, फैमिली मैटर है। फिर फैमिली मैटर लेके मुझे रास्ते में ले जाने लगे अपने घर, तो मेरे मम्मी पापा को पता चला तो मुझे बचाने के लिए आए, तो उन्होंने मम्मी के साथ भी हाथापाई करी रास्ते में। फिर हमने पुलिस कंप्लेंट कराई तो वहाँ पुलिस वालों ने फिर उनके वहाँ दादरी में ले गए, वहाँ पे फिर दादरी में उन्होंने केस दर्ज किया तो वहाँ के छोड़ दिया, मतलब क्योंकि उनका कि 12-22 का मैटर है, लड़ाई झगड़ा वहाँ पे हुआ है, तब वहाँ पे जाकर अपनी FIR दर्ज कराओ। अब यहाँ पर जब दर्ज कराने आए हैं तो ये लोग सुन नहीं रहे हैं हमारी। आपकी शादी के कितने साल हो गए? मेरी शादी के 10 साल हो गए हैं। मेरा आदमी जो दारू पीता है, शुरू से ही 10 साल से लड़ाई होती आ रही है। बस मैं अभी तक बच्चों की वजह से ये सब सह रही थी, क्योंकि चलो ठीक है बच्चे छोटे छोटे, लेकिन वो बच्चों के सामने इतना करता है, खुद भी नंगा हो जाएगा, मुझे भी नंगा कर देगा, मार पिटाई करेगा। और हालांकि हमारा नोटरी में हमारा तलाकनामा हो चुका है, तलाकनामा में यही लिखा है कि बच्चे मेरे पास रहेंगे, लेकिन फिर वो बच्चे वो उठा के ले गए मम्मी के यहाँ से। तो कभी आपने कोशिश की बच्चों को वापस लाने की या कुछ? कोशिश करी लेकिन धमकी देते आएगा तो जान से मार देंगे, और ये भी कह रहे कि तेरे नोएडा में मार देंगे तो जीने नहीं देंगे तेरे को। तो अकेला पति इन्वॉल्व है या पति का पूरा परिवार इन्वॉल्व? पूरा परिवार है, पति है, देवर है, नंदे हैं, उसके घर वाले, सास वगैरह सब है, उनका पूरा फैमिली साथ में है। तो देखिए, योगी सरकार है और योगी सरकार की प्राथमिकता है महिलाओं को सुरक्षा, जीरो टॉलरेंस की बात होती है, एंटी रोमियो स्क्वाड लगाया गया है, उसके बावजूद भी जो पति है वो पूरी तरह से फॉलो अप लेता है, पीड़िता कहाँ जा रही है
इसका ऑफिस टाइमिंग क्या है, ऑफिस से निकलने का टाइम क्या है, पीछे पीछे ये आता है, अपने दोस्तों से भी हैरस करवाता है, आपने सुना होगा, इतनी दर्द भरी दास्तां है, लेकिन शायद योगी की पुलिस नहीं पसीज पा रही है। यही वजह है कि इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी अभी तक एक FIR तक नहीं लिखी गई है। पीड़िता की माता जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। आपने जब शादी कराई थी, क्या कोई दहेज की डिमांड कुछ ऐसा अभी तक हुआ है इतने सालों में? दहेज की डिमांड नहीं थी, लेकिन इनके पिताजी बार बार रिश्ता लेके आते थे रिश्तेदार के द्वारे। हमारे हस्बैंड पीस रेट में काम करते हैं हौजरी कम्प्लेक्स में, उनके पिला पिला के बार बार अपना बात करवा लिए और रिश्ता कर दिया। इनकी शादियाँ होती नहीं है, ये दोनों तरफ की कर लेते हैं, उसके बाद परेशान करते। मेरी छोटी बेटी है तो इसका सास और देवर और ससुर और ननद चार बार रिश्ता मांगने आए, लेकिन मैंने रिश्ता नहीं दिया है। तब इन्होंने उस देवर की दूसरी लड़की से कहीं से शादी करी तो उसको मेंटल घोषित करके उसको तलाक दे दिया। फिर एक लड़की से लव मैरिज करता था देवर, तो अब उससे शादी करी है 29 जनवरी को। अब आप देखिए कि परिवार में किस तरह से महिलाओं को हैरेस किया जा रहा है। एक परिवार है, महिलाएं भी, अफसोस होता है कि महिला ही महिला अपराध बढ़ाने में शामिल है, और इस केस से तो ये लग रहा है। इसके बाद जो इतने सालों से ये शादी के कितने साल हो गए हैं, 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो 10 सालों में क्या शुरुआत से ही ऐसी चीज़ें नज़र आई या फिर बाद में धीरे धीरे? शुरुआत से थोड़ी कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे ज़्यादा हो गई है। तो मारती थी, बोलती मम्मी मारता पीटता है, दारू पीता, लड़ाई। मैं बोली बेटा ऐसे कोई बात ना, 2 बच्चे हैं, हर परिवार में थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, आप निभा के चलो, आप तुम्हारा भी पापा पीता है तो मैं भी तो निभा के चल रही हूँ। लेकिन जब बच्चों के सामने कपड़े फाड़ के नंगा कर देता है, बाहर निकाल दिया, कपड़ों में आग लगा देता है, घर से भगाता है रात रात को 2 बजे कभी 3 बजे, तो फिर भी मैंने समझाया। लेकिन लास्ट में जब हद हो गई, उससे बात करती हूँ कि ये कैसे कर रही हो, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, निभा के चलो, तो कह रहा मेरे साथ रहेगी तो मैं ऐसे ही रखूँगा, नहीं तो अपनी लड़की ले जाओ। किस बात की दादागिरी है? देखिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण हो रहा है, स्वावलंबन बनाने की कोशिश हो रही है। इस तरीके से अभी भी सोच नोएडा जैसे इलाके में, नोएडा को हम हाईटेक कहीं ना कहीं सिटी कहते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर ना तो पुलिस कोई सुनवाई कर रही है, पीड़िता दर दर भटक रही है। और सालों से देखिए, पहले तो एक माँ ने अपनी बेटी को यही समझाया कि परिवार है, इतना होता है, चलता है, लेकिन जब हद हो जाती है ना, तब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। शायद आज यही हो रहा है। तो हम सेक्टर 24 में मौजूद हैं, थाने के अंदर जाएंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर क्यों इनकी FIR नहीं लिखी जा रही है, क्यों इंतज़ार दोनों पक्षों का हो रहा है। चलिए, तो सुना आपने किस तरीके से महिला और माता जी प्रताड़ित हैं। लेकिन अब हम आपको जो महिला हेल्प डेस्क में महिला कर्मी बैठी हुई थी, उनको भी सुनवाते हैं। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे आप टेंशन मत लीजिए, सारा काम हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आपने मेडिकल अब तक क्यों नहीं कराया था? मीडिया की टीम पहुंचे तब जाके आप मेडिकल के लिए भेज रहे हैं, क्या सिर्फ अपनी नौकरी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी वर्दी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। सुनिए यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी क्या कुछ कह रही हैं। तो थाने के अंदर हम मौजूद हैं, महिला हेल्प डेस्क कैबिन बना हुआ है, उसके अंदर जाएंगे और पूछेंगे कि आखिर इनकी क्या सुनवाई हुई है और आगे क्या प्रोसेस में चल रहा है। कल 8 घंटे लड़की यहाँ बैठी हुई है, उसके बावजूद भी मैं यहाँ नहीं थी। देखो, मैं बाहर ड्यूटी में थी, मैं यहाँ थी नहीं, तो मेरे 8 घंटे बैठे रहे हैं। हाँ, सुबह कौन था यहाँ पे? यहाँ पे डोली मैडम थी और जो स्टाफ था, SHO सर थे, वो शाम के टाइम आए थे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि 8 घंटे कल और आज सुबह से 2-2.5 घंटे हो गए हैं, तो उस पर जरूर देखिए। लड़की बार बार कह रही है कि अगर इस तरह से वो मेंटली हैरेस है, कि आगे कोई ऐसा कदम ना उठा दे कि जिसकी वजह से हमें फिर आप लोगों की जवाबदेही हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप नेगेटिव मैम ऐसा हो सकता है, नेगेटिव क्यों लेके जा रहे हो आप? क्योंकि वो हो चुकी है, आप सब मेंटली हैरेस, आप समझिए फिजिकली मेंटली दोनों। आप सोचिए कि एक पति है, वो अपने बच्चों के सामने, दूसरों के सामने अपने पूरी तरीके से कपड़े उतार रहा है, इसके पूरे तरीके से कपड़े उसे गली से बाहर निकाल देता है। वो मैंने, इन्होंने बताया कि जो है वो इस तरह की घटनाएं हुई थी, मैं सुन, तो मुझे ऐसा लगता है कि 8 घंटे कल बिठा देना यहाँ पे, 2.5 घंटे यहाँ बिठा देना, तो अब तक तो FIR हो जानी चाहिए ना मैम। उनको एक बार आ जाने तो क्या वो आके क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, अभी अभी इसके साथ कुछ हो जाए तो FIR अभी लिखेंगी ना आप तुरंत? अरे तो हम बैठे तो हैं, अभी कैसे हो जाएगा? क्यों ऐसी बातें, नेगेटिव चीजें वो क्यों लेके जा रहा है? नेगेटिव नहीं ले रही हूँ मैम, अगर अच्छा ठीक है, आप नेगेटिव लेके माँ के ऊपर हमला किया। केसीएस अधिकारी आए, उन्होंने आके यहाँ पे बोला FIR लॉन्च कर दी, मुझे नहीं जानकारी। चलिए ठीक है, मैम कह रही है कि मैम यहाँ पे थी नहीं, मैम को जानकारी नहीं है। ठीक है, ये माँ है, माँ के ऊपर हमला किया, अगर माँ को गोली कहते हैं, गोली से मार देंगे, हो गया तो फिर
फिर क्या होगा? आधे घंटे इंतजार करने के लिए बोल रहे हो? वो तो पता नहीं क्या खिलवाड़ चलता है, हमें तो समझ में नहीं आता। लेकिन सामने जो पीड़ित है उसकी एफआईआर लॉन्च इसलिए नहीं होती है, जानती की मतलब मुझे एक चीज समझ में आ रही है, पीड़ित पक्ष सामने बैठा है, उसकी हम इंतजार उसका कर रहे हैं जिसने प्रताड़ित किया है। सुलहनामा, राजीनामा किस बात का? और यदि मैम जब नोटरी पे पूरी तरीके से वो हो चुका है डाइवोर्स, तो कैसे फिर हम कह सकते हैं? नोटरी वैलिड नहीं होती ना। चलिए ठीक है, इनको कोर्ट में डालना चाहिए, वही चीज कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट का मैटर अलग हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वर्तमान में उसके साथ आता भाई मारपीट हुई है, वो उसपे आप वो नोटरी क्यों नहीं करवाई? मैम, और हमारे साथ मौजूद है पूजा शर्मा जी, और वो कह रही है कि आज उन्होंने इस केस को देखा है और अब जाकर उन्होंने मेडिकल के लिए आगे पेपर भेजे, मेडिकल के लिए जा रही है, और जैसे जो भी मेडिकल में आएगा उसके आगे जो भी लीगल एक्शन होगा वो लिया जाएगा। अपने जो सीनियर से क्या उन्होंने उनसे आपने डिस्कस किया इस मैटर को? अब महिला हेल्प डेस्क पे हम जैसे यहाँ रहते हैं तो वो हम ही देखते हैं, फिर उसके बाद SHO सर को जो भी होगा बता दिया जाएगा। कल 8 घंटे तक लड़की बैठी रही, आज सुबह से 3 घंटे हो गए हैं, अब जाके मेडिकल हो रहा है, जब जाके आपको लगा कि हाँ मीडिया की टीम यहाँ पर आ गई है? नहीं, मुझे कल की कोई जानकारी नहीं है, कल क्या था, कल मैं बाहर ड्यूटी में थी, यहाँ नहीं थी। उम्मीद बहुत है आप लोगों से, देखिए प्लीज, हम यहाँ महिलाओं के लिए बैठे हैं, जो भी उनकी संभव मदद होगी, जो भी एक लीगल एक्शन होगा उनके वो लिया जाएगा, ठीक है। CCTV वगैरह रिकॉर्डिंग वहाँ की चेक करके जो भी लीगल एक्शन होगा वो लिया जाएगा, कितने लोग थे, क्या था, सब दिखा जाएगा। तो मैम कह रही हैं कि लीगल एक्शन लिया जाएगा, सारी चीज़ें आ रही है, उसके बिहाफ पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन मैं बस यही कहूंगी मैम कि अगर लड़की कुछ करती है, क्योंकि वो बार बार बहुत ज़रा से मेंटली, तो जिम्मेदारी आपकी होगी। देखिए आप चीज़ों को नेगेटिव वे में लेके जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव वे में चीज़ों को मत लेके जाइए। आप तो इस तरह से चीज़ों को जो है बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि जो है भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो नहीं हुआ है उसको क्यों सोचना है? एक पॉजिटिव हुआ तो वो उस लड़की ने भी नहीं सोचा रहता ना कि उसके साथ 10 लोग आ जाएंगे, लेकिन वो चीज़ हुई ना मैम। अब भैया देखो CCTV फुटेज में कितने लोग थे, 10 थे 8 थे 4 थे, वो CCTV फुटेज वहाँ पर जो भी होगा उसमें देख के बताएंगे क्या है, कितने थे, 2 थे या 1 था या पति था, कौन था, वो उसके बिहाफ पे हम बात करेंगे एविडेंस आने के बाद कि कितने थे कितने नहीं थे। ठीक है, अगर आज इस पूरे मैटर में FIR नहीं होती, अभी मेडिकल के लिए भेजा गया है, आगे देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन मैम मैं दोबारा आऊँगी। ठीक है, ओके, आप करके रखिएगा सारा, इस लड़की का जो भी पीड़िता है सारी चीज़ें मैं दोबारा आके आपसे पूछूंगी, जवाबदेही आपकी होगी। ठीक है, तो हमारे साथ महिला हेल्प डेस्क में पूजा शर्मा जी मौजूद थी, उन्होंने कहा है कि वो सारी चीज़ें आगे बढ़ा रही हैं, अधिकारियों से भी आगे उन्होंने बात की है और जल्द ही इस पर FIR भी होगी, मेडिकल के लिए उन्होंने भेजा है, लेकिन उम्मीद है कि महिला हेल्प डेस्क में और योगी की महिला पुलिस ज़रूर महिला को इंसाफ देगी। तो यहाँ हम सेक्टर 24 थाने में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारी बात हुई है, क्योंकि यहाँ महिला हेल्प डेस्क पे कुछ यहाँ पर लेडीज़ इंस्पेक्टर और लेडीज़ जो कांस्टेबल थी वो बैठी हुई थी, हालांकि जब हम पहुँचे हैं तो मेडिकल के लिए आगे रेफ़र किया गया, लेकिन 24 घंटे बाद मेडिकल की बात यहाँ कही जा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि योगी की पुलिस कितनी ज़्यादा सजग है, या तो ये कह सकते हैं कि सोई रहती है, जब कोई इंसिडेंट हो जाएगा तब जाकर ये जागेगी। फिलहाल चुनावी माहौल है, सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट रहे, अगर इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं योगी की पुलिस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो अब जाकर आपको मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है, आपको लग रहा है कि इंसाफ मिल पाएगा? मुझे तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन अब आप आए हो तो आप कहने के बाद ही मेडिकल पे भेजा जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेडिकल पे भेजते हैं, जब आप आए हो जब हमें भेजा जा रहा है, अब आगे पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। इनके बार बार कह रहे हैं कि आपके पति को उसके परिवार वालों को बुलाया जा रहा है, इतनी आनाकानी क्यों हो रही है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? मुझे नहीं लगता मुझे को यहाँ से न्याय मिलेगा, अब योगी सरकार मुझे न्याय दिला सकती है। तो योगी सरकार से उम्मीद है, योगी सरकार न्याय दिला सकती है, आपको लग रहा है कि आपकी बेटी को इंसाफ मिलेगा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा, उम्मीद नहीं है कि इंसाफ मिलेगा, वो लोग कभी भी कुछ भी कर सकते, मारने की धमकी देते हैं, कह रहे 5 लाख की जगह 10 लाख लग जाएगा, पर उसकी माँ को पहले मारूंगा। अच्छा, आप रोइए मत, ठीक है, अभी हमने यहाँ पर FIR के लिए बात की है, कह रहे हैं कि दोनों पक्ष के बाद उसके बाद FIR होगी, और हमारे आने के बाद यहाँ पर मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है, आगे देखते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। लेकिन देखिए, आप सोचिए कि पीड़िता की माँ जो है वो किस तरह से परेशान है, वो रो रही है, और न्यूज़वर्ल्ड इंडिया इस तरह की खबरों को लगातार उठाता है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे पीड़ितों को इंसाफ दिलाएं, और आप प्लीज़ रोइए मत, हम आपके साथ हैं, उम्मीद है कि हम ज़रूर जीतेंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि काफ़ी संख्या में जो बड़े अधिकारी हैं वो भी पहुँचे थे, उसके बावजूद भी
कोई FIR नहीं लिखी गई, किसी तरह का कोई मेडिकल नहीं हुआ, हालांकि हमें आश्वासन दिया गया है। लेकिन फिर से वही सवाल है कि अगर महिला इसी तरीके से 24 घंटे न्याय के लिए मिल जाएंगे, अगर महिला कुछ गलत कदम उठा ले या महिला प्रताड़ना से तंग आकर कुछ कर ले तो किसकी जिम्मेदारी होगी? सवाल ये है, क्या पुलिस प्रशासन जिम्मेदारी लेगा या फिर पुलिस का यही काम है कि जब घटना घट जाए तब आप जाइए? क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो पहले से पहले उसे इंसाफ दिला दीजिए और ऐसे दरिंदे को सलाखों के पीछे भेज दीजिए? सुलहनामा कराने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, क्यों? क्या ऐसे पति के साथ एक महिला को रहना चाहिए जो पति पति के नाले नायक नहीं है, जो बच्चों के सामने अपनी पत्नी के कपड़े फाड़ रहा है, कपड़े उतरवा रहा है, निर्वस्त्र कर रहा है उसे, और अपने दोस्तों से अपने भाइयों से उसका रेप करने के लिए बोल रहा है? और तो और सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। उम्मीद है इस रिपोर्ट को दिखाने के बाद कोई ना कोई एक्शन इस पर जरूर होगा और हम भी यही आशा करते हैं कि योगी सरकार इस पूरे मामले पर त्वरित एक्शन लेगी और ऐसे पुलिसकर्मियों को कहीं ना कहीं डांट फटकार लगाई जाएगी कि ऐसे पुलिसकर्मी जल्द से जल्द ऐसे मामलों में एक्शन लें। इंतजार ना करें किसी हादसे का, इंतजार ना करें किसी घटना का। भारत एट नाइन में इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर नोएडा पुलिस को इस पूरे मामले पर त्वरित एक्शन लेना चाहिए और क्या नोएडा पुलिस वाकई इतनी तेज है जिसका वो दम भरती है। फिलहाल के इतना ही, कर्फ्यू लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।